अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक डिफरेंट वीडियो के साथ आए हैं जो कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हम आपको डिफरेंट ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। और वो ट्रिक्स हमारे बॉलर फ्रीस्टाइल क्रू के तमाम मेंबर्स जो हैं वो अपनी फेवरेट ट्रिक्स करेंगे और वो ट्रिक्स करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं उमर, जो कि लाहौर से आए हैं। उमर ज़रा बताओ। मैं लाहौर से आया हूँ और मैं काफ़ी देर बॉलर अकेडमी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई मेरी इनके साथ और अब मैं इनसे काफ़ी दिनों बाद मिलने आया हूँ। तो आइए चलो कुछ ट्रिक्स करते हैं। मेरी फेवरेट ट्रिक होम इतानी अराउंड द वर्ल्ड है और ये लोअर बॉडी फ्री स्टाइल कैटेगरी से। बेसिकली ये दो ट्रिक्स की कॉम्बिनेशन है, आउट अराउंड द वर्ल्ड और हॉप द वर्ल्ड। मेरी फेवरेट ट्रिक इसलिए क्योंकि ये एक टू रेवोल्यूशनरी बेसिक ट्रिक है और इसको करेंगे तो आगे जो थ्री रेवोल्यूशनरी ट्रिक्स होती है वो भी कर सकते हैं आसानी से और ये कॉम्बोज में यूज़ होती है। मेरी फेवरेट ट्रिक का नाम है ड्रैगन स्टॉल और ये कैटेगरी सोल्स में से है, स्पेसिफिकली स्टैंडिंग सोल्स में से। ट्रिक को आप बहुत सारी मुख्तलिफ और ट्रिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लिपर्स, स्लैब्स और स्पिनिंग ट्रिक्स हैं इसकी बहुत सारी, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रिक मुझे इस वजह से अच्छी लगती है क्योंकि आप इसको बहुत सारी क्रिएटिव साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं और इस ट्रिक के साथ आप बहुत सारी क्रिएटिव ट्रिक्स बना सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है पहले ट्रिक और ये ट्रिक एक फ्री स्टाइल लेजेंड ने क्रिएट की थी जिसके नाम पहले है और ये एक लोअर बॉडी फ्री स्टाइल ट्रिक है जो मेरा फेवरेट कैटेगरी है। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको ये ट्रिक सीखनी ज़रूरी है। एक तो होमी टू जानी है जो कि एक टू रेवोल्यूशन ट्रिक है, दूसरी ऑल्टरनेटिव मिच अराउंड द वर्ल्ड है। ये एक 2.5 रेवोल्यूशन ट्रिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड के लिए। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसको कॉम्बो में डालना आसान होता है। अगर पहले ट्रिक की है एंड में क्रॉसओवर आता है और उससे फिर कॉम्बोज इजी हो जाती हैं बेसिकली। मेरी फेवरेट ट्रिक है एस्टोबन पोजीशन। और इस ट्रिक को लैंड करने के लिए आपको तीन चीज़ें मस्ट आनी चाहिए। सबसे पहला होता है नोरी क्लच और दूसरे नंबर पे थाई पॉप एंड थर्ड वन इज हैंड स्टैंड। इस ट्रिक का नाम ऑल्टरनेटिव मिच है और ये ऑल्टरनेटिव 1.5 रेवोल्यूशन ट्रिक है और ये फ्रीस्टाइल लेजेंड पाले ने इन्वेंट की थी और ये लोअर बॉडी कैटेगरी से है। ये ट्रिक दो ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है, एक हॉप द वर्ल्ड और एक क्रॉसओवर। ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये एंटीज करने में काफ़ी हेल्प करती है और मैं इसलिए इसको ज़्यादा ट्रेन करता हूँ। मेरी फेवरेट ट्रिक हैमस्ट्रिंग कैच है और ये कैटेगरी ब्लॉक्स में आती है। इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको तीन चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेक्स्ट स्टॉल आना चाहिए, दूसरी बात आपको हैंड स्टैंड आना चाहिए और तीसरी बात ये कि आपको थाई ब्लॉक आना चाहिए, फिर आप ये ट्रिक आसानी कर सकते हैं। और मुझे ये ट्रिक इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में हम लोग अपर्स में होते हैं और जब ये एंड होती है तो हम लोअर बॉडी में भी जा सकते हैं, लाइक लोअर्स में भी जा सकते हैं और सिट्स में भी जा सकते हैं।